मैं हूं यमन फरूक आजम और आप देख रहे हैं 4 in 1 बिजनेस ऑफ। तो आज मैं आपको रेजन, कोबाल्ट और MEKP हार्नर के रिएक्शन के बारे में बताऊंगा और जो इसके नुकसान मुझे हो चुके हैं इनके, तो उसके बारे में मैं आपके साथ क्लियर करूंगा। तो आइए हमने क्या क्या चीजें वो पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये रेजन है प्लिस्टर रेजन, ये पॉक्सी रेजन है कोबाल्ट, और कुछ हमें खाली भी पार्ट चाहिए। तो हम एक सिरिंज या डिस्पोजिबल ये चाहिए, और ये मिक्सिंग के लिए एक पेन इस्तेमाल करेंगे, पेंसिल है। तो आज दोनों सारी चीजें मैंने क्लियर करनी है कि पॉक्सी रेजन और प्लिस्टर रेजन इसमें फर्क क्या, और कोबाल्ट और हार्डनर का जो मिक्सचर है उसका रिएक्शन क्या होता है रेजन में, और दोनों का रेजन में क्या रिएक्शन होता है, लेदर लेदर रिएक्शन भी दिखाऊंगा। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, तो आपने देखते जाना जो मैं कहता हूं, ये कीमती वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं पहला काम। तो पहले हम शुरू करेंगे कोबाल्ट और हार्डनर के रिएक्शन को। तो आज हम सबसे पहले कोबाल्ट और MEKP यानी हार्डनर का तजर्बा करेंगे कि इसका आपस में रिएक्शन क्या होता है। तो ये मैं कोबाल्ट डालने लगा हूं, अब आपने इसका रिएक्शन चेक करना है, इनका आपस में रिएक्शन क्या है। तो अब मैं इसमें H+ MEKP हार्डनर डालने लगा, ये आपने इसका रिएक्शन चेक करना है। तो ये बहुत ही तेजी के साथ रिएक्शन करता है। तो रेजन में असल में ये दोनों ही आपस में जंग लड़ते हैं, और रेजन की जो खासियत है चिपचिपाहट और हर चीज खत्म हो जाती है, और इसके साथ ज्यादा स्मेल भी आ रही है, जिसकी वजह से मेरा भी दम घुट रहा है, ये आप देख रहे हैं उबाल ले रहे हैं। तो यही काम ये रेजन में करते हैं। यानी ये इतना गर्म हो जाता है इसे हाथ नहीं लगा सकते। तो ये था MEKP और कोबाल्ट का, कोबाल्ट एक्सीलेटर का एक्सपेरिमेंट। तो ये जेन में रखना है, ये इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि आपने अगर आपने काम शुरू किया है हार्डनर अलहदा और कोबाल्ट को अलहदा, और बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, यानी जहां बच्चे किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल ना कर सकें, उतार ना सकें, ये ध्यान में रखना आपने। तो इसको आप हमेशा ऊंची जगह पर रखें जहां बच्चा कुर्सी या टेबल या किसी भी तरीके से इसे उतार के कुछ काम ना करे। आप देखते होंगे बच्चे बड़ों की तरफ देखकर इस तरह के काम करते हैं, तो उनके हाथ भी जल सकते हैं, उनको फेफड़ों का मसला भी हो सकता है, यानी कि सांस का मसला हो सकता है। तो ये भी जरूरी था आपको बताने के लिए, ये कहीं आप ये ना समझे या कोबाल्ट और हार्डनर पड़ा है तो अगर बच्चे लगा भी लेंगे हाथ तो कुछ नहीं होगा, ये आपके लिए जरूरी पॉइंट है। तो अब हम दोनों रेजन, ये पॉक्सी रेजन है, ठीक है, ये ए ग्रेड का पॉक्सी रेजन है, और ये प्लिस्टर रेजन है जो बी ग्रेड का है,
तो अब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसमें रिजल्ट क्या आएगा। तो दोनों को इकट्ठा ही एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि टाइम भी ना वेस्ट हो और आपके इलम में इजाफा हो जाए। तो सबसे हम पहले डालते हैं पॉक्सीजन। हमें मिस्टेक ना हो इसलिए हम इसके साथ ही रख देते हैं इसे सामने। तो अब हम इसमें डालेंगे प्लिस्टर रेजन सी ग्रेड, इसे हम चीप रेजन भी कहते हैं। ये सैंपल आए थे मेरे पास तो मैंने सोचा कि हमने चेक करना है जैसे करते हैं, तो मैं आपको भी इसका जो एक्सपेरिमेंट और चेक करने का तरीका बता दूं। तो अब हम इसमें कोबाल्ट डालेंगे, ठीक है। तो इसमें कोबाल्ट पॉक्सी में कम बढ़ेगा, यानी इसमें कम डालना है पॉक्सी में और इस प्लिस्टर में ज्यादा डालना पड़ेगा। ये तकरीबन दो ड्रॉप मैंने डाले हैं, तो इसमें कम से कम इसमें डबल डालना पड़ेगा। तो इसके डालने का मतलब मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि वजह क्या है। तो हम इसको अब मिक्स कर लेंगे कोबाल्ट को अच्छी तरह। एक और बात याद रखनी है जो मैं कहता हूं ना अक्सर वीडियो में कि आपने कोबाल मिस करके कम से कम 3-4 घंटे पहले रख लेना है या एक दिन पहले रख ले, तो उसका एक मकसद है। जब कोबाल एक्सीलेटर रेजन में रिएक्शन करता है तो स्मेल भी होती है, गर्मैश भी होती है, वो नुकसानदेह है सेहत के लिए, इंसान को सांस की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ये नहीं कि फौरी आपने किया, ये तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ना, तो फौरी आपने किया और फौरी आपने शीट बनाना शुरू कर दी, वो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो ये प्लिस्टर रेजन में मिक्स कर रहा हूं मैं। मैं जो पीस ये रेडी हो जाएंगे वो भी आपको फिनिश करके दिखाऊंगा कि इनका रिजल्ट क्या आता है, ताकि आपके जहन में हो जाए कि जब हम कलरफुल या प्रिंटेड शीट बनाते हैं तो उसका रिजल्ट भी इसी तरह का ही आएगा। तो अब हम इन दोनों रेजन में पॉक्सी और प्लिस्टर में हम MEKP यानी हार्डनर मिक्स करने लगे। तो ये टेस्ट है इसलिए इससे मैं तेज रखना पड़ रहा है ताकि ये जल्दी से हार्ड हो जाए। ये देखे इसका कलर चेंज होता जाएगा आस्ता आस्ता। अब ये रिएक्शन कर रहे हैं कोबाल्ट और MEKP। यही इसका रिएक्शन होता है, ये जो आपको बबल नजर आ रही है, यानी कि इसका ये मकसद है कि हम
ने जल्दी से इसे कोबाल्ट के साथ यानी कि रेजन को फौरी मिक्स करके MEKP डालकर हम छीट जब बनाते हैं तो इसी तरह का रिएक्शन होता है। जो रिएक्शन है वो अपनी सेहत के लिए मुदर है। तो ये मेरे साथ काफी दफा हादसे हो चुके, यानी कि इंसान बेहोशी की आलम तक यानी कि मौत के मुंह में भी जा सकता है। ये देख रहे पोलिस्टरिज्म ज्यादा रिएक्शन कर रहे हैं बजाय के एपॉक्सी रेजन के। ये देखिए आप धुआं निकलना शुरू हो गया। धुआं बहुत ही खतरनाक है, दम घुट रहा है, तो क्रैकर्स तो करनी पड़ेगी। ये जिस प्लास्टिक की बॉटल में डाला है वो भी मेल्ट हो गई है, यानी इतनी इसकी हीट होती है। ये बिल्कुल हो गया, हाथ में पकड़ रहा हूं तो इसे पता चल रहा है कि ये कितना हीट में है इस वक्त। तो ये मैं आपको रिएक्शन दिखाना चाह रहा था ये दोनों का। ज्यादा कोबाल्ट और ज्यादा हार्डनर डालने से इसकी ये हालत होगी, नजर आ रहा आपको। तो लिहाजा हमेशा अच्छा कोबाल्ट अच्छा रेजन और मकदार के साथ ही डालें, जितनी मकदार आपको जो केमिकल प्रोवाइड कर रहा है उसी हिसाब से। और यही रही बात कि अगर हम फौरी तौर पर काम करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा, इस वक्त तो आपको ज्यादा धुआं नजर आया मगर काम करते हुए इतना नजर नहीं आता क्योंकि ज्यादा रेजन होता है तो वो आपके फेफड़ों को नुकसान देगा। तो यही मेरे साथ हुआ था आज से काफी ऐसा पहले, तो मुझे याद आ गया यार आज मैंने टेस्ट करनी, भाई ने बोला कि ये टेस्ट करो रेजन को, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ भी शेयर कर दूं ताकि आप भी महफूज रहें। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इस एक्सपेरिमेंट से फायदा भी उठाएंगे और अपनी की सेहत का भी ख्याल रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।